हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ टेलर विकास, द फाइनेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स. बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कोहरेंट एंड इनकोहरेंट सोर्सेज के एडिशन का एडिशन देखा कि जब मीडियम का कोई पार्टिकल जब मोर देन टू वेव्स की इफेक्ट में आता है तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते थे वो भी हमने देखा, और वो निकालने के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा. तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या कहता है कि अगर मीडियम का कोई एक पार्टिकल मोर देन टू वेव्स के इफेक्ट में आता है तो वो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, हम दोनों वेव्स के का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके वेक्टर एडिशन जितना होगा, वो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बात की. और ये भी देखा कि अगर कोई सोर्सेस कोहरेंट सोर्सेस है तो कोहरेंट सोर्सेस से बनने वाला जो फिनोमिना है तो उससे हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा, और अगर सोर्सेस इनकोहरेंस हो, दैट मीन्स दोनों में से निकलने वाली एमिट होने वाली जो लाइट है वो अगर फ्रीक्वेंसी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो उससे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा. दैट मीन्स हमें जो स्पॉट मिलेगा एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन हमें डार्क स्पॉट मिलेगा, और जो इंटरफेरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एंड जब हम कोहरेंट सोर्सेस यूज करते हैं तब दो कोहरेंट सोर्सेस में से निकलने वाली लाइट जी जो कोई पार्टिकल पे सुपर इम्पोज होती है तब वो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, उसके अकॉर्डिंग में वो पार्टिकल की इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम मिलती है. तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस. और जब हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड वी कैन से मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है सुपरपोजिशन पार्टिकल की तो हम उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, तो बच्चों हम आज कंस्ट्रक्टिव इंटर आज व्हाट आर द टुडेस की पॉइंट. बच्चों आज हम सबसे पहले तो इंटरफेरेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कितने टाइप्स के इंटरफेरेंस होते हैं, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस, कि अगर दोनों वेव्स में वेव्स का फेज कुछ होगा, दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंट होगा तो उससे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटरफेरेंस मिल सकते हैं. तो कब कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा एंड कब और दूसरा इंटरफेरेंस कब मिलेगा वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इंटरफेरेंस. ओके, हाउ कैन वी डिफाइन इंटरफेरेंस फिनोमिना. इंटरफेरेंस इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. अगर दो वेव्स सेम मीडियम में अगर किसी पार्टिकल पे सुपर इम्पोज होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये जो मिलने की जो का जो फिनोमिना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस बोलेंगे. बच्चों इंटरफेरेंस क्यों बोलेंगे, बिकॉज मान लो अगर यहाँ एक सोर्स S1 है, लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है S1, उसमें से कुछ लाइट वेव्स आ रहे हैं. यहाँ हमारे पास एक दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है S2, वहाँ से भी कुछ लाइट वेव्स आ रही हैं. दोनों टूवर्ड्स ईच अदर प्रोपोगेट हो रहे हैं. अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट सोर्स में दैट मीन्स S1 सोर्स से निकलने वाली जो लाइट वेव्स है वो पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन कराना चाहती है और पार्टिकल पे अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराना चाहती है. एट द सेम टाइम सेकंड सोर्स ऑफ लाइट में से निकलने वाले जो लाइट वेव्स है वो पार्टिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराना चाहते हैं. तो बच्चे हुआ क्या, ये वाला जो वेव्स था S1
सोर्स में से निकली जो लाइट वेव थी उससे पार्टिकल कुछ ऊपर उठना चाहता था, बट क्या किया, हुआ क्या, उसका जो इंडिविजुअल जो डिस्प्लेसमेंट था वेव्स का, वेव्स इंडिविजुअली पार्टिकल को जितना डिस्प्लेस कराना चाहती थी उसको उसमें इंटरफियर किसने किया, सेकंड सोर्स में से निकलने वाले वेव ने। तो बच्चों हुआ क्या, इस वाले वेव ने क्या किया, इंटरफियर किया। तो दोनों जब मिलते हैं, डार्क स्पॉट मिलता है, ब्राइट स्पॉट मिलता है, तो बच्चों इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इंटरफियरेंस। बच्चों आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी, द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स। बच्चों रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वॉट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर ओनली फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों एनर्जी यूनिवर्स में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, और हम उससे ज़्यादा एनर्जी कभी प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। तो एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है उसमें होता क्या है, दोनों वेव कुछ एनर्जी लेके आए हैं, तो ये वेव क्या करेगा, अपनी कुछ एनर्जी मीडियम के पार्टिकल को प्रोवाइड करेगा। एट द सेम टाइम सेकंड सोर्स में से निकलने वाली जो लाइट वेव थी वो भी कोई एनर्जी लेके आई थी, तो उसने भी एट द सेम टाइम क्या किया, वो जो पार्टिकल है उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी और उसको डिस्प्लेस कराना चाहा। तो मीडियम के पार्टिकल को दोनों ने जो एनर्जी प्रोवाइड की तो एनर्जी का क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस बोलेंगे। नाउ बच्चों मोस्ट एम्पी देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस दो टाइप के है, फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकंड वन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बात की कि अगर मीडियम का कोई एक पार्टिकल जब दो लाइट वेव्स के इफेक्ट में आता है तब उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पार्टिकल का निकाला था, ए आर इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला था, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू टाइम ए वन ए टू कॉस फाइव। ओके, अब ऐसा भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर हम एम्पलीट्यूड का यूज करके अगर हम पार्टिकल का की रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी के बीच में एक रिलेशन है कि इंटेंसिटी इज प्रपोजनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, दैट इज आई इज प्रपोजनल टू ए स्क्वायर। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए स्क्वायर वी कैन राइट आई। और अगर हम इंटेंसिटी का फार्मूला लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस फाइव। हमने ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा। अब बच्चों ध्यान से सुनना, वट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और मैक्सिमा, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला हमें स्पॉट मिलेगा तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, या तो हम क्या बोलेंगे उसको, मैक्सिमा बोलेंगे। अब बच्चों इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया, आई आर दैट इज अ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, दैट इज आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस फाइव। अब बच्चों यहां पर ध्यान से सुनना, आपको ये जो थर्ड टर्म दिख रही है टू टाइम स्क्वायर रूट ऑफ
आई वन आई टू इंटू कॉस फाई। बच्चों दिस टर्म इज नोन एज इंटरफियरेंस टर्म, मोस्ट आईएमपी दिस टर्म इज नोन एज इंटरफियरेंस टर्म। आपको एमसीक्यू में आ सकता है, अगर आपको एक क्वेश्चन गिवन है और आपको यहाँ पे पूछा जाता है व्हाट इज द विच पोर्शन इन अ गिवन इक्वेशन इज नोन एज इंटरफेरेंस टर्म। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो आई वन इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव एमिटेड बाय फर्स्ट सोर्स, सेम एज इंटेंसिटी आई टू इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव एमिटेड बाय सेकंड सोर्स ऑफ लाइट एस टू। बट बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आई वन एंड आई टू का मल्टीप्लीकेशन है और उसके साथ कुछ फेज है, तो यहाँ पे ये जो थर्ड टर्म हमें मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस टर्म बोलेंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मान लो अगर हमें कहीं पे एकदम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल गया, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, दो वेव्स आए एक दूसरे से लड़े, हुआ क्या, पार्टिकल को उठा दिया तो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम मिला, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग में हमें क्या मिला, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिल सकती है वो हमारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बच्चों कुछ इस तरह कुछ कैसे भी करके अगर ये कॉस फाई की वैल्यू वन हो जाए, हमें पता है कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, साइन और कॉस की, साइन एंड कॉस आर हार्मोनिक फंक्शन, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कॉस एंड साइन की मैक्सिमम वैल्यू वन है एंड मिनिमम वैल्यू उसकी है माइनस वन। तो अगर यहाँ से हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो बच्चों यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो गई, दैट मीन्स वन हो गई, तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस मिलेगा उस वो हमें कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और जो स्पॉट मिलेगा वो हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू वन कब होगी, जब ध्यान से कॉस फाई की वैल्यू वन कब होगी, कॉस की वैल्यू कितने एंगल पे वन होती है, तो हमें पता है कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस वन, कॉस 270 इज इक्वल टू जीरो, एंड अगेन कॉस 2 पाई डेट इज 360, तो वो भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इट मीन्स कि कॉस की वैल्यू जीरो पे वन होती है, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, पूरा घूम के फिर यहाँ पे आ गए, और पूरा जो हम घूमते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, टू पाई रेडियन। तो जीरो पे कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, कॉस टू पाई इज इक्वल टू वन, कॉस फोर पाई ऑल्सो इज इक्वल टू वन, कॉस सिक्स पाई ऑल्सो इज इक्वल टू वन, एंड सो ऑन। अगर हम इवन नंबर लेके उसको पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, डेट इज कॉस जीरो कॉस टू पाई कॉस फोर पाई कॉस सिक्स पाई कॉस एट पाई कॉस टेन पाई, आपको आप जहाँ तक काउंट कर सकते हो एंड सो ऑन, कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस फाई की वैल्यू वन होगी। तो हमें यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू वन चाहिए, तो फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू है प्लस वन, तो हमें प्लस वन कब मिलेगा, अगर फाई की वैल्यू जीरो होगी, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, अगर फाई की वैल्यू टू पाई होगी तो कॉस टू पाई इज इक्वल टू वन, अगर फाई की वैल्यू फोर पाई होगी तो कॉस फोर पाई ऑल्सो इज इक्वल टू वन, एंड सो ऑन। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में फेज डिफरेंट एंड पाथ डिफरेंट के बीच का रिलेशन निकाला कि भाई फेज डिफरेंट एंड पाथ डिफरेंट के बीच में क्या रिलेशन है वो हमने निकाला, और वो रिलेशन था फेज डिफरेंट डेल्टा फाई इज इक्वल टू के टाइम डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा फाई इज
फेस डिफरेंट एंड डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंट। अब बच्चों देखो यहाँ पे व्हाट इज के, के इज वेव वेक्टर एंड वेव वेक्टर इज के इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्बडा। सो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग के वी कैन राइट 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्बडा एंड डेल्टा एक्स एज इट इज। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हम यहां से डेल्टा एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, डेट इज पाथ डिफरेंट को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये वाला पोर्शन यहां पे आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, डेट इज लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हम इसका, अगर हम यहां से इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहे, तो बच्चों ध्यान से सुनना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ राइटिंग के हमने क्या लिखा 2 पाई बाई लैम्बडा, वो यहाँ पे आ गया अनदर साइड पे, तो लैम्बडा बाई 2 पाई हो गया एंड डेल्टा फाई एज इट इज। अब बच्चों देखो डेल्टा एक्स एज इट इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पाई एज इट इज। हम बच्चों यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू हम यहाँ से 0 पुट करते हैं, यहाँ फाई है, हम डेल्टा फाई कंसिडर करते हैं, ओके फाई डेल्टा फाई बोथ आर सेम। हम यहाँ से फाई की वैल्यू लिखते हैं 0, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो 0 यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनी थिंग इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा एक्स क्या मिला हमें, 0 मिला, डेल्टा एक्स 0 मिला, मीन्स पाथ डिफरेंट 0 मिला। पाथ डिफरेंट 0 का मीनिंग क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे कोई सोर्स S1 है, सेम एज यहाँ पे कोई सोर्स S2 है, और दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ से निकलने वाली जो वेव है वो जितना एक्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो ही डिस्टेंस यहाँ से निकलने वाली लाइट भी करेगी। सो देखो यहाँ पे, यहाँ से निकलने वाली लाइट का पाथ एंड यहाँ से निकलने वाली लाइट का पाथ सेम है। सो पाथ डिफरेंट बिटवीन the waves emitted by source S1 and emitted by source S2 remain same, यहाँ से सेम है, तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंट कैसा है बच्चों, 0 है। That means both are in same phase। अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंट 0 है, फेज डिफरेंट means डेल्टा फाई 0 है, तो उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंट भी क्या होगा, 0 होगा, तब हमें क्या मिलेगा, एक एकदम ब्राइट स्पॉट मिलेगा, और इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा। आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों के, दोनों सोर्स के बाइसेक्टर पे एक ऐसा पॉइंट हमें मिला जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। बच्चों हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कौन सा, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, तब हम ये कंडीशन फिर से डिराइव करेंगे, तो उसमें हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे फिर आ जाते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पाई एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा फाई हम यहाँ से पहले 0 को पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू 0 मिलेगी, फिर डेल्टा फाई की जगह पे हम 2 पाई लिखेंगे। देखो यहाँ पे डेल्टा फाई की जगह पे हम क्या लेंगे, 2 पाई यहाँ पे, तो ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या मिली, लैम्बडा, क्या मिली, लैम्बडा। फिर से हम डेल्टा फाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 पाई लिखेंगे, तो ऊपर 4 पाई नीचे 2 पाई, तो क्या हो गया, 2 लैम्बडा हो गया। फिर से हम डेल्टा फाई की जगह पे हम 6 पाई लिखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, 6 बाई 2, 6 बाई 2 डेट इज 3, सो क्या मिलेगा हमें, 3 लैम्बडा मिलेगा। बच्चों हम जनरल फॉर्म लिख दे तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज, वेयर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। बच्चों देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा,
यहाँ पे मैं अगर n की जगह पे जीरो लिखूंगा तो डेल्टा x इज इक्वल जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा फाई की जगह पे यहाँ पे जीरो लिखूंगा तो ये वाला जीरो हो गया। तो n की वैल्यू फर्स्ट यहाँ पे जीरो लिखूंगा तो डेल्टा x क्या होगा, जीरो। ये जनरल फॉर्म हमें मिल गया। फिर से n की जगह पे मैं वन लिखूंगा तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा मिलेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा फाई की जगह पे यहाँ पे टू पाई लिखता हूँ तो टू पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हमें लैम्डा मिलेगा। तो हम यहाँ पे एन की जगह पे वन लिखेंगे तो हमें यहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा मिलेगा। सेम एज इफ यू पुट टू इन द प्लेस ऑफ एन सो वी कैन राइट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। कैसे, देखो डेल्टा एक्स की सॉरी डेल्टा फाई की जगह पे हम यहाँ पे फोर पाई लिखेंगे तो टू कैंसिल आउट हो गया, सॉरी पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, फोर बाई टू दैट इज टू, सो टू लैम्बडा मिला हमने, यहाँ पे भी टू लैम्बडा मिला। तो बच्चों हमने क्या किया, ये वाला जो ये जो पोर्शन है उसका हमने जनरल फॉर्म लिख दिया। अगर दो वेव्स किसी मीडियम में किसी पार्टिकल पे अपनी इफेक्ट लगाते हैं तब अगर वो दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंट अगर n लैम्डा जितना हमें मिलता है, कितना बच्चों n लैम्डा जितना हमें मिलता है, तो वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू n सो ऑन, तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ध्यान से फिर से एक बार, अगर दो वेव्स एक दूसरे से मीट होते हैं, इंटरफेयर होते हैं, और दोनों के बीच का पाथ डिफरेंट अगर n लैम्ब्डा को फॉलो करता है, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंट डेल्टा x अगर n लैम्ब्डा जितना हुआ, वेयर n इज 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, तो दिस कंडीशन इज नोन एज नेसेसरी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वी कैन से कंडीशन फॉर मैक्सिमा। ओके, मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट मिलने मैक्सिमम दैट इज ब्राइट स्पॉट मिलने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, दोनों वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंट है वो एन लैम्डा होना चाहिए, वेयर एन इज 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ओके, एक इंपॉर्टेंट दूसरी बात देखो यहाँ पे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटर सुपरपोजिशन पार्टिकल आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस फाई। अगर बच्चों देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, कॉस फाई की वैल्यू हमें वन लानी है। अगर हम यहाँ पे वन लिख ले तो हमें ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। सो वी कैन राइट आई मैक्सिमम इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स आई वन आई टू एज इट इज, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉस फाई वी कैन राइट फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई वी कैन राइट वन। अब बच्चों हमें पता है ए प्लस बी, और वी कैन से ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज अ ए प्लस बी होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे देखो आई मैक्सिमम इज इक्वल आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई वन प्लस आई टू होल स्क्वायर। सो बच्चों हमें ये जो कंडीशन मिली वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की मिली, कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, सो आई मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई वन प्लस आई टू होल स्क्वायर। दिस इज अ मोस्ट एमपी इक्वेशन फॉर टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल। अब हमें बच्चों न्यूमेरिकल हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इस इक्वेशन का ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। फिर से एक बार, फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर मैक्सिमा कंडीशन दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंट कितना होना चाहिए, एन लैम्डा जितना होना चाहिए, वेयर एन इज 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, और वो दोनों के बीच का फेज डिफरेंट कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंट होना चाहिए 0, 2π, 4π, 6π। अगर दो वेव्स के बीच का इन इंटरफेरेंस पैटर्न
इफ द फेज डिफरेंट बिटवीन टू वेव्स इज 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड अप टू इनफाइनाइट, तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बात हो गई फेज डिफरेंट की। और अगर हम बात करें पाथ डिफरेंट की, तो पाथ डिफरेंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्बडा होना चाहिए, वेयर एन इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। चलो अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज अ कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और वी कैन से मिनिमा। बच्चों हमें मिनिमम इंटेंसिटी वाला स्पॉट दैट इज डार्क स्पॉट मिलेगा, तो हम ऐसे इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव और वी कैन से मिनिमा, मिनिमा पोजीशन बोलेंगे उसको। अब हमें पता है कि भाई इंटेंसिटी एट सुपर पोजिशन पॉइंट पी आई आर दैट इज अ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ सुपर पोजिशन पार्टिकल पी आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस फाइव। अब बच्चों देखो हमें यहां से आई आर की वैल्यू मिनिमम कब मिल सकती है, जब ये तो चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, आई टू भी चेंज नहीं होगा, टू वो तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू बाई आई वन एंड आई टू बोथ आर कॉन्स्टेंट, सो ये वाली वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो सिर्फ कौन सा पोर्शन चेंज हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम हो जाए तो हमें यहाँ पे जो इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो हमें मिनिमम मिलेगी। तो बच्चों हमने अभी देखा कि कॉस का स्पान है माइनस वन से लेके वन तक, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फंक्शन इज वन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस फंक्शन इज माइनस वन। तो कॉस की मिनिमम कितनी वैल्यू मिल सकती है हमें, माइनस वन जितनी, कितने एंगल पे, तो देखो यहाँ पे फिर से एक बार, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे 180 आया, तो 360 हम रोटेट होके फिर यहाँ पे आएंगे तो वो भी माइनस वन होगा, फिर 360 माइनस वन होगा। अब बच्चों अगर हम रेडियन में लिखें इसको तो ये हो गया ज़ीरो, ये 90 डिग्री डेट मीन्स पाई बाई टू रेडियन, और ये हो गया पाई रेडियन, फिर से हम 2 पाई घूम के आए तो ये हो गया 3 पाई, फिर से 2 पाई घूम के आए 5 पाई, फिर से 2 पाई घूम के आए 7 पाई। तो बच्चों कॉस फाई की वैल्यू हमें मिनिमम माइनस वन कब मिलेगी, जब एंगल फाई पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, 7 पाई होगा एंड सो ऑन। तो आप यहां से देख सकते हो कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू है कॉस फाई इज इक्वल टू माइनस वन। सो फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई, फाई की वैल्यू होगी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई इन ऑड नंबर। फिर से एक बार बच्चों आपको अगर नहीं ख्याल आया हो तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस 90 डेट इज 5 पाई बाई 2 रेडियन, सो पाई बाई 2 पे वो 0, कॉस 0 मीन्स 1, तो कॉस पाई बाई 2 पे वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कॉस पाई पे, कॉस पाई पे 0 हो गई, 2 पाई घूम के फिर से यहाँ पे आएंगे तो 3 पाई होगा, उस पर भी 0 होगी, 2 पाई फिर से घूम के आएंगे 5 पाई, उसमें भी 0 होगा। तो यहाँ पे फाई की अगर वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई वे जितनी मिलेगी अगर हमें, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऐसे फेज डिफरेंट पे अगर दो वेव्स के बीच में इतना फेज डिफरेंट होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ से फेज डिफरेंट का भी जनरल फॉर्म लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू एन पाई, लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे हमने ये वाला एन लैम्बडा वाला इन द फॉर्म ऑफ
पाथ डिफरेंस हमने फॉर्मूला जनरल फॉर्म लिखा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, यहाँ से भी हम लिखेंगे, ये रहा देखो यहाँ पे, यहाँ से हम फाई लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू एन पाई, एन पाई तो आपको होगा सर वहाँ भी एन पाई यहाँ भी एन पाई, आपने तो कहा यहाँ फेज डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ फेज डिफरेंट डिफरेंट है इससे, तो देखो यहाँ पे एन की जो जो वैल्यू है, वेर एन स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 up to infinite, देखो अगर n की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0, अगर n की वैल्यू 1 होगी ओ हो हो, अगर n की वैल्यू 1 नहीं 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी एंड सो ऑन, तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो बच्चों ये रहा हमारा पाथ डिफरेंट के लिए, सॉरी फेज डिफरेंट के लिए जनरल फॉर्म, और ये हो गया पाथ डिफरेंट के लिए जनरल फॉर्म। आपको याद क्या रखना है, ये वाला याद रखना है 0, 2, 4, 6, अगर यहाँ 1, 2, 3 हो गया तो हमारा भी 1, 2, 3 हो जाएगा एग्जाम में, ध्यान से देख लेना यहाँ पे। देखो यहाँ पे phi इज इक्वल टू पाई 3π 5π, जनरल फॉर्म लिखे तो phi इज इक्वल टू एन पाई, वेर एन इज इक्वल टू, वेर एन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एन कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना भाई, तो 1, 3, 5 एंड सो ऑन। सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ पाथ फेज डिफरेंट डेल्टा फाई। अब देखो हमने यहाँ से डेल्टा एक्स का हमारे पास फार्मूला है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2π इंटू डेल्टा फाई, तो हम यहाँ पे गड्ढा मजूरी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे डेल्टा एक्स एज इट इज। अब देखो बच्चों हम जनरल फॉर्म लिखने जा रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंट क्या कितना होगा कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करते हैं, तो जनरल फॉर्म हम बच्चों लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे डेल्टा फाई की जगह पे सबसे पहले हम पाई सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये पाई कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्बडा बाई 2 मिला हमें, क्या मिला लैम्बडा बाई 2 मिला, ओके। फिर हम 3π सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 3λ/2 मिला, डेट मीन्स 3/2λ हमें मिला, ओके। अगर हम यहाँ पे 5π सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई पाई कैंसिल आउट, 5/2λ हमें मिला। बच्चों हम अगर जनरल फॉर्म लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल 2n-1λ/2, वेयर एन स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँगा, 2n, एन की जगह पे 1, 2 multiply by 1 डेट इज 2, -1 डेट इज 1, इंटू लेमड़ा बाई 2 डेट इज लेमड़ा बाई 2 आ गया यहाँ पे। हम अगर पाई लिखते यहाँ, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाता तो हमें लेमड़ा बाई 2 मिलता, वो ही हमें यहाँ से जनरल फॉर्म लिखा हमने 2n-1λ/2, वेर अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें लैम्बडा बाई 2 मिलेगा। अगर मैं लैम्बडा की सॉरी n की वैल्यू 2 यहाँ पे रखता हूँ तो 2 2 4 -1 इट इज 3 3λ/2। देखो 3π की वैल्यू लिखेंगे, पाई पाई कैंसिल आउट, 3λ/2, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तब दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंट क्या होता है, तो 2n-1λ/2 जितना होता है मोस्ट IMP। बच्चों ये सभी फॉर्मूला हमें याद रखने होंगे, बिकॉज हम इसका यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो यहाँ पे हमें इंटेंसिटी मिनिमम कब मिलेगी, जब cos phi की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, cos phi की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी -1 जितने, तो यहाँ से हम cos phi की वैल्यू यहाँ पे -1 लिख देंगे, तो ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा, -1 multiply by this दैट इज माइनस। सो आई मिनिमम इज इक्वल टू i1 plus i2 -2 times square root of i1 i2, और अगर ये आई स्क्वायर रूट ऑफ आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई वन माइनस आई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज हमने हमारे चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स का
सबसे मजेदार टॉपिक कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा, उसकी कंडीशन देखी कि दो वेव्स अगर एक दूसरे के साथ इंटरफेयर होते हैं तब हमें कब ब्राइट स्पॉट मिलेगा, कब डार्क स्पॉट मिलेगा, डेट मीन्स कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फिर से एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। अगर दो वेव्स मीडियम के कोई एक पार्टिकल पे सुपर इम्पोज होते हैं, डेट मीन्स इंटरफेरेंस होते हैं, तब अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा फाई 0, 2π, 4π, 6π हमें मिलता है, तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होने के लिए दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंट क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए एन लैम्डा जितना, वेयर एन इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तब हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होता है तब दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंट क्या होगा, तो दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंट होगा पाई, 3π, 5π एंड सो ऑन। एंड दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंट क्या होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, वेयर एन इज 1, 2, 3 अप एंड सो ऑन। एंड जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमें जो स्पॉट मिलता है वो स्पॉट मिनिमम इंटेंसिटी वाला मिलता है। ओके, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, और अगर ना समझ में आई होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जैसे मुझे पता चले कि मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना है कि नहीं करना है। सो तब तक ब्रेक लेते हैं, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।